सो डाउट बताइए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो सीयूईटी का है उसमें डाउट्स बताइए। 12 और 19 और 30 वन बाय वन है ना, ये तो चैट में लिख सकते हैं या वन बाय वन। 12 सो 12 जो है ये वाला, सो एफ आर टू आर बाउंडेड फंक्शन है, वन व्हेन एक्स इज इरेशनल एंड माइनस वन व्हेन एक्स इज रैशनल। ठीक, तो एफ क्या होगा? अच्छा, कंटिन्यूअस एट जीरो, कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, कंटिन्यूअस एट माइनस वन एंड वन। तो कंटिन्यूअस ये कब होता था? जब दोनों जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाए ना, ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है, इसमें आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? Anyone, tell me, actual answer क्या है? मतलब ये गलत आंसर मान लो। So, क्या क्या पॉइंट है जहां पे ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है? बी क्या कर रहा है? डिसकॉन्टिन्यूस है ना? हाँ, मतलब ये ऐसे किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता ना। कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या है, दोनों को इक्वल होना पड़ता है, तो वन माइनस वन कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। ये लोग आंसर कौन सा है? फोर्थ। ठीक है, फोर्थ कह रहा है कि द सीक्वेंस 1 प्लस 1 बाय n। जी, इसमें क्या डाउट है? सर, ये बी ऑप्शन होगा ना? क्यों? लिमिट एंड टेंशन फ्लाइट पे 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो डाइवर्जेंट हुआ। तो आप मुझे बताइए, सीक्वेंस के कन्वर्जेंट की बात कर रहा है कि सीरीज के कन्वर्जेंट की बात कर रहा है? सीक्वेंस। फिर सीक्वेंस में कन्वर्जेंट कब बोलते हैं सीक्वेंस को? ठीक है ना, जो सीक्वेंस है ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन एग्जिस्ट। ठीक है ना, सो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कन्वर्जेंट होगी। तो सिंपल है, तो ये सीक्वेंस है, सीरीज नहीं। आप सीरीज के हिसाब से सोच रहे हैं, दिस इज ओके। ठीक है, तो अगला बताइए, नेक्स्ट, फोर्थ के बाद। जी, कौन सा क्वेश्चन था वो? ये वाला ना? हाँ, discontinuous at every point, B option होगा, इसमें गलत लगा रखा है, so B option correct होगा। Next बताइए। 15 का सर आंसर नहीं आ रहा। एक मिनट,
सॉरी नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद? 15 नहीं आ रहा, ये तो इंटीग्रेशन का सिंपल क्वेश्चन है, कोई ट्रिक होगा इसमें? क्या कर सकते हैं? एक तो जो आसान सा मुझे समझ आ रहा है, हाँ cos x को 1 minus tan square x by 2 and 1 plus tan square x by 2. ओके, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है कि यू जस्ट, हाँ ये सब 11 12th क्लास का जो इंटीग्रेशन का टेक्निक है ये कर लेंगे, हो जाएगा अब कर पाओगे? देखो इसको पुट करो, फिर सिंपलीफाई कर लो तो उससे बन जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो तो उससे आ जाएगा। ठीक है, 15 के बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग रीजन बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका ग्राफ बना लो, है ना? सो y बराबर 1 प्लस x दिस, सो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तुम लोग को सॉल्व कर लो, कहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे? जब भी कोई दो कर्व होते हैं तो उन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा जब y को इक्वल करेंगे? सो x बराबर रूट एक्स हो जाएगा, सो x स्क्वायर बराबर x, x की वैल्यू 0 और 1 ये आएगी, तो 0 और 1 पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये कर्व। ठीक है, सो x को 0 रखेंगे y 1 हो जाएगा, और y को 0 करेंगे x 1 हो जाएगा, सॉरी y को 0 x माइनस 1। यह है तो एक लाइन हो गया, दूसरा y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो x बराबर y स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, तो y माइनस 1 है यहां पे बनेगा। सो ये रफली इस तरह ग्राफ बनेगा, और y बराबर 0 पुट कर दो तो इस तरह ग्राफ बनेगा। तो ठीक है, तो ये रीजन हो गया। सो इस रीजन को आप ये दोनों मिल कहां रहे हैं? 1 पे, तो ये 1 हो गया।
बताओ भाई कर पाओगे क्या इसमें है, किसका डाउट है इसमें, क्या डाउट है? अब तो इजी है ना, हाउ डू यू फाइंड वॉल्यूम? तो इसके लिए होता है कि व्हाट इज दिस रेडियस, ये रेडियस अच्छा किसके अबाउट रिवॉल्व करना है, वाई एक्सिस के अबाउट, ओके तो वाई के अबाउट रिवॉल्व करना है, सो व्हाट इज दिस रेडियस, इस रेडियस का लेंथ कितना होगा? अच्छा तो एक्स वन है तो यहाँ पे वाई क्या होगा, तो ये टू है ना, ये टू है, तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे, इसका फॉर्मूला क्या है? एनीवन जिसने सॉल्व किया हो बताओ क्या फॉर्मूला होता है जब दो कर्व के बीच का पोर्शन होता है, तो So, तो यहां तो ये है ना, ये लेंथ कितना है, एक लेंथ x1 होगा एक x2 होगा, हाँ ठीक है जैसे भी, सो पाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इंटू, अब ये क्या है y dy लिखना पड़ेगा और y की लिमिट कितनी है 1 से 2, ये जस्ट x1 x2 इसलिए लिख रहा हूं ताकि पता चले दो डिफरेंट कर्व है, मतलब x की वैल्यू है वो दो डिफरेंट कर्व है इसलिए x1 x2 लिख रहा हूं, तो यहां से x2 लार्जर होगा तो x2 वाला कर्व ये होगा, तो x2 मतलब x इन ऑन द लाइन, तो ये y माइनस 1 हो जाएगा और x1 ऑन दिस कर्व, तो x1 बराबर यहां से आ जाएगा y माइनस 1 होल स्क्वायर, यही है ना, तो ये हो जाएगा, मतलब समझ रहे ना आप क्या कर रहे हैं, रेडियस देख रहे हैं क्या है, तो एक x1 एक x2, तो x2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, अब इसमें पुट कीजिए तो x2 की वैल्यू है y माइनस 1, x1 की वैल्यू है y माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको पुट कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा, किसको x1 किसको x2 लूं, अरे कोई भी बोल दो उसके हिसाब से फार्मूला बन जाएगा, ये चीज है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है तुम किसको x1 किसको, क्या फर्क पड़ता है उससे, वो तो मैंने अपनी मर्जी से नाम दे दिया है, उसके हिसाब से फार्मूला बन जाएगा, तुमने बचपन में पढ़े होंगे ना कि दो सर्कल के बीच का एरिया कैसे निकालते हो तुम लोग, एक सर्कल है उसके अंदर का सर्कल है तो दोनों सर्कल के बीच का एरिया कैसे निकालते हो, सर यहां पे x = y -
क्यों होगा? जाने से कम को घटाएंगे ना सर। हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? डीएक्स था ना, डीएक्स नहीं डीवाई था, कहाँ डीएक्स है? देखो वाई के रेस्पेक्ट में देखेंगे ना, तो जो ज्यादा है उसमें से कम को घटाएंगे ना, तो कोई बात नहीं, तुम x1 x2 चेंज कर दो, यहाँ x1 x2 चेंज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हाँ ऐसे आप देखेंगे, आप अगर मैं x के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो आप सही सोच ना, तो ये फिर y2 minus y1 होगा, क्योंकि वो y की वैल्यू, जो आप ये देखते हैं ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, ये y की वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x की वैल्यू है ना, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x की वैल्यू है, वर्टिकल डिस्टेंस y की वैल्यू है, तो वहां फिर y2 minus y1 हो जाएगा जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन चूंकि मैं इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये है। ठीक है जी, तो मान लो जैसे ये मैं x1 बोलता हूं, इसको x2 बोलता हूं, तो ये जो बीच का ही है ना, ये बनेगा x, मतलब ऐसे मैं बोलता हूं x2 x1, तो पहले एरिया जो वॉल्यूम जनरेटेड बाय दिस कर्व माइनस वॉल्यूम जनरेटेड बाय दिस कर्व, ये चीज है, तो यहां से आएगा, तो इसका जो वॉल्यूम आता है बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर dy, जो भी लिमिट है, लिमिट कहां से कहां लेना देख लो आप, है ना, जो भी नंबर है आप देख लो कहां से कहां तक, मान लो a टू b है, वो तो डिपेंड करता है नंबर पे। नेक्स्ट बताओ, तो इसको सॉल्व करके देखो एक बार, बाकी लोग वेरीफाई करो क्या आंसर आ रहा है, ये x2 की वैल्यू है y माइनस वन, x1 की वैल्यू है y माइनस वन होल स्क्वायर, यहां पुट करके जरा सिंप्लीफाई कीजिए, बाकी लोग भी कैलकुलेशन करो, बताओ क्या आंसर आया। अच्छा, ये हमारे पास है x2 जो मेरे पास यहां से है y माइनस वन, तो y माइनस वन होल स्क्वायर, और x1 जो है, सो x1 जो है y माइनस वन होल स्क्वायर, तो पावर फोर हो जाएगी, और यहां आ गया dy, तो कितना आ जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो y माइनस वन की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस y माइनस वन की पावर फाइव अपॉन फाइव, और लिमिट है वन से टू, टू रखेंगे तो वन बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव, वन रखेंगे जीरो हो जाएगी, तो कितना बना जी, ये पाई बाहर चल रहा था, बताओ भाई टू पाई बाई फिफ्टीन नहीं आ रहा है, तो कैसे इंटीग्रेट करते हो भाई, इंटीग्रेशन भी नहीं आ रहा, इसको बहुत दुख की बात है ना, इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, तो ये नेक्स्ट बताइए, ये करेक्ट है हाँ। तो 36 सर, इसमें ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सर हाफ आएगा सॉल्व करने में, ओके ई कॉम्प्लीमेंट हाफ दिया हुआ तो हाफ आएगा, हाँ ई कॉम्प्लीमेंट हाफ है तो पी तो हाफ ही आना चाहिए। अच्छा सर, हाफ पुट करेंगे तो एफ 2 बाय 3 आ रहा है इसमें, ओके तो ये E क्यों पूछा है, PE and PF, अच्छा जब E दे ही दिया है तो PF वहां से आ जाएगा, E union F है ना, so PE plus PF minus PE intersection F, ये जो है PE plus PF minus PE intersection F, ये हो गया 5 बाई 6, ठीक। आपको PE पता ही है, इंटरसेक्शन भी पता है, तो ये 1 बाई 2 प्लस PF जैसे आपने बताया ना, सो ये 1 बाई 3 बराबर 5 बाई 6,
सो यहां से पी एफ आ जाएगा बताइए तो 1 by 2 and 2 by 3 हो जाएगा ना? अच्छा तो ये 2 by 3 तो ठीक है PE 1 by 2 and 2 by 3 तो इसको ये क्वेश्चन 36 है ना नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जी तो इसका बता दिया ना नेक्स्ट क्या है 35 ये क्या 36 है 35 इसमें ये कि सर जो सेकंड प्रोबेबिलिटी वो 2/4 है सो उसको पुट करने पे नहीं आ रहा है अच्छा अब प्रॉब्लम इज स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए बी सी प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स होना इज गिवन टू थ्री स्टूडेंट एंड ए बी सी हु चांसेस ऑफ सॉल्विंग आर 1/2 2/4 एंड 1/4 अच्छा तो रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्वड इफ ऑल ऑफ देम आर ट्राई इंडिपेंडेंटली तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा है ना तो मतलब कोई भी एक सॉल्व कर दे इसका मतलब ये है ना
तो एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या हो गया, इसमें क्या कैसे निकाला आपने, इतना कॉमा बीच में आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा ना. तो प्रॉब्लम नॉट सॉल्व कब होगा, नॉन ऑफ देम एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अच्छा तो वैसे अगर आप करेंगे कि नॉन ऑफ देम एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम तभी हो जाएगा, इंडिपेंडेंट बता रखा है तो भी हो जाएगा. सो यहाँ पे ये है कि प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई भी एक सॉल्व कर दे. सो वन माइनस कोई भी ना सॉल्व कर पाए भी चलेगा. सो ए यूनियन बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. सो वन माइनस कितना आएगा, इसको पुट कीजिए क्या आएगा यहाँ से, 3/16. तो यहाँ से जैसे ये 1/2 है, ये भी 1/2 आ जाएगा और ये 3/4 आ जाएगा. ओके तो कितना आ जाएगा ये, तो 1 माइनस हाँ मतलब 3/16 हो गया. तो कितना 13/16 आ जाएगा ना फिर, इसका मतलब है कहीं पे नंबर से आई गड़बड़ किया है ना. सो 1/4, 2/4, 1/4 ये ऐसा होगा, 1/4, 2/4, 1/4 तो हो जाएगा ना. तो अगर मैं वैसे करूँ तो क्या चेंज आएगा, 1/4, 2/4 है ना, तो 1/4, 2/4, 1/4 तो 2/4 का कंप्लीट यही आएगा, तभी कितना 32 आ जाएगी. सो अब कितना आंसर आएगा, अब सही है ना. तो इसका मतलब है कि ये जो तीन नंबर है ये है ना, सो 1/4 लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, मतलब पहली प्रोबेबिलिटी 3/4. अच्छा सॉरी हाँ, तो उसको कीजिएगा ये कितना बनेगा, अगर मैं 3/4 कर दूं, 1/4 है 3/4 कर दे, 2/4 का तो 1/2 ही है. सर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर वहां पे लेंगे, यहां पे तो 1/4 ही होना चाहिए. तो नहीं अभी क्या बनेगा, 32 माइनस 9 कितना होता है. अच्छा तो मतलब यहां आप कह रहे हैं 3/4 देना पड़ेगा है ना. हां ये सर वो कह रहे थे, तो वहां 3/4, 2/4, 1/4 लेकिन ये तो फिर आंसर प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए. ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा कहाँ पे, किस पे, केसेस बनेंगे ना, क्यों केसेस बनेंगे, किसी एक के द्वारा सॉल्व हो जाएगा तो वो भी सॉल्व प्रॉब्लम कहा जाएगा. हाँ तो किसी के द्वारा भी होगा तो वो भी सॉल्व कहा जाएगा. जी तीन के द्वारा हो गया तो भी सॉल्व कहा जाएगा, तो इसी को एटलीस्ट इसी को एटलीस्ट वन बोलते हैं ना, जो आपने बोला है अभी. यस सर. एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है सेट में, सर वहां पे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कहां पे, वन माइनस प्रॉब्लम ना होने की प्रोबेबिलिटी. अच्छा प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगी, वही तो लिखा हुआ है, तुम्हें चश्मा उतार के देखो ठीक से, प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रॉब्लम यही तो है. ये प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगी, जब ए सॉल्व नहीं कर पाएगा एंड बी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा एंड सी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, वही तो है. जो तुम कह रहे हो वही है, बस तुम लैंग्वेज में कह रहे हो, यहां मैथमेटिकली लिखा हुआ है सेम चीज, वो बस नंबर से थोड़ा यहां पे वो चक्कर गड़बड़ है. तो क्वेश्चन करेक्ट मान लेते हैं, आंसर मैं करेक्ट कर देता हूं. तो क्वेश्चन करेक्ट अगर मान लेते हम लोग क्या आंसर आ रहा था, मान लो ये क्वेश्चन करेक्ट है तो आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन करेक्ट मान लेते हैं तो यहां से आ रहा था हाँ 1/2, 1/2 और 3/4,
सो 3/16 तो 13/16 कर देते हैं, ठीक है, तो इसको मैं 13/16 करवा देता हूँ। नेक्स्ट होता है ये, नेक्स्ट इसका मैं करेक्ट करवा दिया हूँ ना, ये 13/16 कर देगा। नेक्स्ट तो 34 अच्छा ए, अगर ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट ई कॉम्प्लीमेंट 0.7 है, एफ कॉम्प्लीमेंट के है, ई यूनियन एफ 0.8 है, तो वैल्यू ऑफ के क्या होगी? तो क्या मिस्टेक लग रहा है आपको, देखते हैं एक बार। 34 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट 0.7 है, तो इसका मतलब है पॉइंट ही हालांकि, तो इसका मतलब है कि या 7 पीएफ है, कॉमा है क्या बीच में? कॉमा लग रहा है। हाँ लग तो कॉमा ही रहा है। ओके तो मेरा मेरा सवाल है कि ऐसा होना चाहिए, अगर मान लो 0.8 अच्छा ये PYQ लेकिन लिखा नहीं है इसने, PYQ टेस्ट है सर, उसमें पूरा क्वेश्चन 2018 ही का। हां तो PYQ भी होगा क्योंकि हमने कहा ना 10 टेस्ट PYQ अपलोड होंगे, तो उनको लिखना चाहिए आसान रहता नहीं। हां तो PYQ ही है, मतलब 2018 का कहां का, वो इलेक्ट्रा का है सर, 18 का CUET का या किसी CUET था ही 2018 में था ही नहीं, CUET CUSET है ना सर, और CUSET उस समय था। हां तो CU सेट का होगा, ठीक है, तो उसमें एक बार चेक कर लो करेक्ट समय क्या है। सर वो भी तो सही दिखा रहे हो वहां पे, वो एक क्वेश्चन दिया था। अच्छा अच्छा ठीक है, आंसर पता नहीं क्या था उसका, जो प्रोबेबिलिटी का था ऊपर वाला। हाँ हाँ उसमें तो नंबर का चक्कर है, मुझे लग रहा है उसमें नंबर का ना ये थोड़ा नंबर लिखने में ठीक नहीं किया है। वही लिखा है सर, यही लिखा था। अच्छा नंबर वही है, ओके तो आंसर उसके हिसाब से करेक्ट करना पड़ेगा, ये गलत है, ये वहां भी गलती, एग्जाम में भी गलती, क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं गलत हो जाता है। तो अब इसको ट्राई करते हैं, जो पिछला क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, P क्या होगा, ये P की वैल्यू कितनी है, अगर मान लो तो 0.7 ले लेता हूं अभी, तो कितनी बनेगी 0.3 PF कितनी बनेगी 1 माइनस के और PE इंटरसेक्शन F देन बन जाएगी 0.3 है, 0.7 ना, ठीक है फिर तो वो पेपर एक बार भेजो मुझे एक बार आप। हाँ हाँ
हाँ बता रखा ना EFR टू इंडिपेंडेंट, तो अब E यूनियन F अब करो आ जाएगा। सो E यूनियन F एक बार ना पेपर भेजो विकास, मुझे एक बार बोला मैं भेज देता हूँ, प्रूफरीडिंग एक बार दोबारा कर देगा इसको ठीक से देख के। तो सो क्वेश्चन 34 में हो जाएगा। अब देखो आंसर क्या आ रहा है, अब इसको अप्लाई करो। इंडिपेंडेंट है तो वो लास्ट वाला टर्म जीरो हो जाएगा ना। कैसे? हाँ इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट डिजॉइंट सेम होता है। इंडिपेंडेंट क्या डेफिनेशन है? किसने कहा? तुम लोग ना एग्जाम आते हैं दिमाग तुम लोग खराब हो रहा है। हाँ तुम्हें वो याद आ रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिजॉइंट याद आ रहा है। ई एन एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट कब होता है? हाँ वही ना, तो ऐसे भूल जाओगे तो एग्जाम में गलती करके आओगे। डेफिनेशन याद रखो ना, तो ई इंटरसेक्शन बराबर पी इंटू पी एफ, पी इंटू पी एफ। अब पुट करो सारे डेटा गिवन है, तो 0.8 बराबर पुट कर लो सारी वैल्यूज है ना। तो यहां से 0.3 प्लस 1 माइनस के, फिर 0.3 इंटू 1 माइनस के, यहां से के निकालो जरा क्या आता है भाई। सब लोग सबने टेस्ट दिया है ना, ये कुछ दो चार लोग ही पूछ रहे डाउट, बस देखो फिर भी ठीक है। ओके कितना है केक्यूर? 2/7 सही आ रहा मतलब ना ये आंसर। ओके अच्छा ठीक है, एक मिनट ये আমার অনেকে আমার বিজেপি দিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে না, ভোটটা যেমন হবে তৃণমূলেই দেবে, যাই না বিজেপি।
ठीक है ना, ये नेक्स्ट बताओ, ये ओके है? हाँ जी भाई, किसका जो ही आपका डाउट था ना, ठीक है आंसर आ गया ना इसका? सर 39 में क्या बोला सर? 39 में क्या बोला है? सपोज एक्स इज रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल, विच ऑफ द वैल्यूज कैन नॉट बी अटेंड बाय ईएक्स एक्स स्क्वायर? अरे तुम ये बताओ, वेरिएंस के बारे में जानते हो? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? हाँ, वेरिएंस के बारे में क्या जानते हो? ये नॉन नेगेटिव होता है हमेशा। सो ये पूछ रहा है कि बताओ, चेक करके बताओ कौन कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। ये चेक करना है इन चारों में से वेरिएंस कब पॉजिटिव आएगी, वो चेक करना है। तो कैन नॉट बी अटेंड बोल रहा है, तो किस में वेरिएंस नेगेटिव आ जाएगी? जिसमें वेरिएंस नेगेटिव आ जाएगा, दैट कैन नॉट बी अटेंडेड। सर 20 देख लीजिए। हां 20 जो है, क्या बोल रहा है 20 जो आपका क्वेश्चन है? हाँ, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? ये तो डी है ना, नहीं होगा। ये सर ऑप्शन डी है। हाँ ये सर डी ही आ रहा था सर। डी होगा ना। एक मिनट, तो इसको क्या करना है, करेक्ट करवाना, क्योंकि ये तो लीनियर में पढ़ा था ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली था, हमने एक पूरा क्लास, एक प्रॉपर क्लास में बताया था मैंने। तो ये सिंपल ये प्रॉपर्टी होती है कि टी एक्स प्लस टी वाई होना चाहिए एक्स वाई वेक्टर स्पेस में, और टी ऑफ अल्फा एक्स बराबर अल्फा टाइम टी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना, तभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। मतलब वेक्टर है ये एक्स वाई, जो यहाँ लिखा हूँ, ये वी वन वी टू कर सकते हो तुम। तो वी वन, ये वी टू, ये वी वन, ये है इस तरह वी लिख दो। तो ये है 20 का जो होगा, ये हमारा 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, so, इसका डी होगा, ठीक है ना, क्योंकि डी क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 के बाद 69 देखिए, जिसमें भी प्रॉब्लम है। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, वन बाय वन करते हैं एक बार। तो गिवन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1 फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो पीडीएफ आपको दे रखा है 2 अपॉन थीटा स्क्वायर थीटा माइनस एक्स। सो पूछा व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा, थीटा का एमएलई क्या होगा। So, लेकिन यहाँ सिंगल सैंपल साइज है ना। हाँ, तो पीडीएफ को मैक्सिमाइज करो, इसमें क्या होगा, लाइकली पीडीएफ ही लाइकलीहुड है। वो उसमें भी nth ऑर्डर स्टैटिसटिक्स तब होता है जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। यहाँ बोल रहा ना थीटा मोर देन एक्स, थीटा मोर देन दिस, तो अगर डिक्रीजिंग है तब जाके एमएलई nth ऑर्डर स्टैटिसटिक्स, हमेशा थोड़ी होता है। तो वो तुम्हें जानना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। समहाउ द एमएलई का मतलब ये है कि मुझे लाइकलीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, कोई रट्टा मार के काम नहीं चलेगा कि इसमें ये होगा। जरूरी थोड़ी जहाँ x टू थीटा होगा वहां हमेशा nth ऑर्डर स्टैटिसटिक्स है, जरूरी नहीं है। वो वहां पे आएगा जहां पे लाइकलीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तब जाके, है ना। तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए एमएलई निकालते कैसे हैं। सो एमएलई का मतलब ये है कि लाइकलीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे लाइकलीहुड फंक्शन क्या होगा, सिंगल सैंपल साइज है तो पीडीएफ ही है। सो 2 इनटू थीटा माइनस एक्स अपॉन थीटा स्क्वायर, ये थीटा का फंक्शन है। अब थीटा का इंटरवल देख लो क्या है, यहाँ थीटा एक्स से इंफिनिटी में है। सो थीटा बिलोंग्स टू एक्स टू इंफिनिटी। तो ये आपके पास एक फंक्शन है अब थीटा का, वो थीटा का डोमेन है। नाउ यू डिसाइड कि व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज दिस फंक्शन।
अब कैलकुलस का एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया कि थीटा के किस वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगी। सो कैसे मैक्सिमाइज करेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक करो, थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। यही तो है, थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जहां पे आप फंस जाओगे, ये सब यही तो क्लियर करना होता है रिवीजन से या बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, यही फायदा होता है। 90% चीजें आप ज्यादातर लोगों को पता ही है, यही 8-10% चीजें हैं जहां डिसाइड होता है किस बच्चे का सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द थिंग सब लोग जानते हैं, जितने प्रिपरेशन करे सबको पता है ज्यादातर चीजें, लेकिन जो कुछ चीजें जो लोगों को नहीं पता है वही फंसते हैं, वही जाके एंट्रेंस में डिसाइड होता है कि किस बच्चे के मार्क्स आएंगे किसके नहीं आएंगे। तो ये आपको सीखना पड़ेगा ना सब चीजें। सो 1/थीटा माइनस x/थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ यहां से डिफरेंस ये, इसको मैं सिंपलीफाई कर दिया, सो 1/थीटा माइनस x/थीटा स्क्वायर, और यहां से जो थीटा की वैल्यू है अभी x से इंफिनिटी है, रहने दो। अब यहां से डिफरेंशिएट कर लो l डैश थीटा, तो क्या आएगा l डैश थीटा 2 टाइम माइनस 1/थीटा स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा ये 3x/थीटा की पावर क्यूब। अच्छा मान लो इसको मैं 0 पुट कर दिया फॉर एग्जांपल, क्या ऐसा बोल सकते हैं हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा नहीं कर सकते, कुछ मिल नहीं रहा ना सर, 2x/थीटा क्यूब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, स्टैटिस्टिक्स कौन से भूल भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैटिस्टिक्स बस इसमें इतना ही है कि ML होता क्या है। तो ML का डेफिनेशन है कि द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम। अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया कि मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है इस इंटरवल पे, सिंपल। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग किसी कैलकुलस में कैसे मैक्सिमाइज करते हैं फंक्शन को, डिफरेंशिएट करते हैं, जीरो पुट करते हैं। आप देखते होंगे लोग लॉग भी लेते हैं, तो लॉग तब लेते हैं जब यहां डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेटेड हो, तो लॉग हमारे कंफर्ट के लिए, लॉग नहीं लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थीटा बराबर 2x आ गया, तो ये आपका एक क्रिटिकल पॉइंट आया। अब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला कांसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जब हमें कभी इंटरवल दे रखा होता है कैलकुलस में तो क्या करते हैं, तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इस इंटरवल में आना चाहिए। आ रहा है क्या? यस। तो अब क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट ये मिलकर डिसाइड करेगा किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा है। तो आपको ये भी देखना है कि ये जो फंक्शन है 2x पे मैक्सिमम आंसर होगी या x पे। एंड पॉइंट पे जब भी हमें कोई क्लोज इंटरवल दिया होता है कोई भी कैलकुलस के क्वेश्चन में, तो जैम में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो हमें क्या करना होता है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और एंड पॉइंट देखना है। क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट को एक साथ हमें कंपेयर करना होता है किस पे लार्जेस्ट वैल्यू आएगी। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, एंड पॉइंट एक्स है, तो एक बार यहाँ थीटा की जगह एक्स रखो, एक बार 2x रखो और देखो किस पे वैल्यू लार्जेस्ट आ रही है, वो आंसर हो जाएगी 2x पे ही आएगी, इसलिए 2x से मिली है, ठीक है। तो x बराबर जब 2x रखोगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू आएगी 2x माइनस x, तो 2x अपॉन और थीटा स्क्वायर है यहाँ पे, सो 2x का होल स्क्वायर, तो 1/2x आ जाएगा। और जब x सॉरी थीटा को 2x, जब थीटा को x रखोगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन कितनी आ गई 0। अब 1/2x और 0 में, 1/2x में और 0 में किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है, विच वन इज लार्जर? x तो पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो दिस इज द लार्जर वन, सो दैट्स व्हाई 2x इज MLE, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। सो 57 x is normally distributed with mean 0 and unit variance, तो variance 1 है, so x जो है normal 0,1 है, so what is variance of x square, so you know formula variance क्या होता है, expectation ये हो जाए x की power 4 minus e of x square का whole square, ये कितना होता है 3 minus 1 square, बताओ कहाँ doubt है इसमें,
जी 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 उससे आसानी से आ जाता, सही बात है, वो शॉर्टकट होता। सो काई स्क्वायर वन, हाँ फिर तो और आसान है। तो x इज नॉर्मल 0 1 x स्क्वायर काई स्क्वायर 1, और काई स्क्वायर 1 का वेरिएंस कितना होता है 2 हो जाएगा, है ना, मीन 1 होता है, काई स्क्वायर 1 का मीन 1 वेरिएंस 2 हो गया। तो दूसरा तरीका ये हो गया, तो ये ज्यादा आसान है, इसमें इतना लंबा होगा, तो इजी क्वेश्चन है ये सब, तो इजी है। नेक्स्ट बताइए, ये सब देखो मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है, एक तो क्वेश्चन सॉल्विंग आपका बढ़े, फिर टाइम बाउंड मेन इंपॉर्टेंट चीज है, उस टाइम में आप क्वेश्चन कर पाओ, ये चीजें हैं कि आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 1 hour 45 minutes में ही, तो कोशिश करो 75 के 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ एग्जाम में, और जितना सही हो सकता है उतना सही, तुक्का नहीं लगाओ क्योंकि तुक्का लगाओ गलत होगा। ये यही सब चीजें तुम्हें मॉक टेस्ट में सीखनी है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुश्किल क्वेश्चन छोड़ने हैं, आसान पहले करने हैं, लेकिन उस पूरे टाइम में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एटलीस्ट, है ना, जो नहीं वाला छोड़ देंगे वाला बात। 49 49 क्या कह रहा है, इफ फॉर अ रैंडम वेरिएबल x ex इज 0, रैंडम वेरिएबल x के लिए ex 0 है, ठीक है, और ex स्क्वायर 0.6 है, तो बताओ क्या होगा। अरे तो मीन 0 है, मीन इज 0 और वेरिएंस आ गया 0.6। अब आपसे पूछा जाए क्या प्रोबेबिलिटी है x माइनस 0 मोर देन इक्वल टू 1 या लेस देन इक्वल टू 1, चलो लेस देन इक्वल टू 1, तो चेबीशेव्स इनइक्वालिटी पता है क्या कहता है ये, बताइए 1 माइनस 0.3, ये सब क्यों नहीं कर पा रहे तुम लोग, ये दिक्कत है, तो आसान क्वेश्चन है ना, थोड़ा दिमाग को लगाओ क्या होगा। नेक्स्ट बताओ, कोई डाउट नहीं है भाई, 63 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट, जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इज अनबायस्ड, जरूरी नहीं है, अनबायस्ड एस्टिमेटर बेस्ड ऑन कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स इज यूनिक, तो अनबायस एस्टिमेटर बेस्ड ऑन कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स, तो कंप्लीट एंड सफिशिएंट और जो अनबायस्ड है उसको क्या बोलते हैं आप, कंप्लीट, है ना, अगर कंप्लीट है तो सफिशिएंट होगा, ये रिजल्ट है वहां पे, अगर मिनिमम सफिशिएंट एग्जिस्ट करता है तो। सो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, कंप्लीट सफिशिएंट है, तो वो UMVU बन जाएगा, एंड UMVU इज यूनिक, यस, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, देन ओनली 3 इज करेक्ट। सर ये आवाज व्हिच इज नॉट ट्रू, व्हिच वन इज नॉट ट्रू, अगर मैं ये बोल रहा हूं इन जनरल यहां पे, अच्छा पूछा क्या है, ओ एक मिनट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो 1 2 नॉट करेक्ट ना, इसने जिसने लगाया मुझे लगता है इसने ट्रू लगा दिया, नहीं, अच्छा तो हाँ मतलब ये इसमें गलती है, यू आर राइट, है ना,
तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मैं करेक्ट बता रहा हूँ, ओनली थ्री इज करेक्ट। और किसी को कुछ बोलना है बाकी? तो मतलब ये हो गया कि वन एंड टू, तो बी जो है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए, ट्राई करते हैं। कंसिस्टेंट, अच्छा इसको मैं करेक्ट करवाना था, पिछला क्वेश्चन कौन सा था, अभी लास्ट कौन सा देख रहे थे हम, बताओ किसका डाउट था लास्ट? 63 था। अच्छा उसमें देखता हूँ, हाँ इसको करेक्ट करवा देता हूँ, 63 का आंसर जो होगा ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का, ठीक है? सो टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो टी इज आल्सो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। देखो टी कंसिस्टेंट थीटा का नहीं है, स्क्वायर का नहीं होगा, टी स्क्वायर कंसिस्टेंट। देखो तुम्हें पता है इनवेरियंस प्रॉपर्टी, ये कहता है देन जी ऑफ टी विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू जी थीटा, जहां जी जस्ट ए कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, है ना, जी शुड बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन। तो टी स्क्वायर इज कंसिस्टेंट विद थीटा स्क्वायर, तो क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? तुम लोग ये बेसिक प्रॉपर्टी नहीं जानते क्या अभी तक, इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो इसमें, तो बेसिक इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर या इनवेरियंस प्रॉपर्टी, तो रिवीजन बहुत बार करो। ये चीजें हैं कि बहुत लोगों को लगता है कि सर मुझे सब तो आ ही गया, अब क्या ही करूंगा, फिर एग्जाम में होलीडे क्वेश्चन, गलत फहमी है कि तुम्हें आ गया है, इसलिए बहुत बार चीजों को रिवाइज करो। ये इनवेरियंस प्रॉपर्टी थ्योरम है, इसमें क्यों नहीं आ रहा, ये पढ़ाया हुआ है कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर या कन्वर्जेंस इन प्रॉपर्टी, जो थ्योरम है। तो नेक्स्ट बताओ, अच्छा इसमें क्या बोला, एक मिनट, ये डी क्या कह रहा है, डी क्या लिख दिया, टी इज आल्सो अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो ये डी क्या कह रहा है, तो टी तो बता ही रखा है ना, टी इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर तो पहले बता रखा है, और t is also a consistent estimator of theta, आपको
हाँ एक मिनट, ये अभी क्या करते हैं, इसमें क्या है क्या लिखना है इसमें, फंक्शन दिस हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी क्रिटिकल पॉइंट ही तो होता है। चलो मुझे बताओ आप पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है। किसकी वैल्यू सेम हो, फंक्शन की या किसकी वैल्यू सेम हो? आप लोग गारंटी यही तो बोल रहा हूँ, आप लोग ढंग से रिविजन नहीं किए चीजों को, पूरा जैम प्रिपरेशन कर लिए, अभी तक डेफिनेशन क्लियर नहीं। क्यों नहीं क्लियर है? क्योंकि आपने इसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, बहुत बार रिवीजन नहीं किए, डेफिनेशन ढंग से नहीं पता आपको। इन्फ्लेक्शन फंक्शन की वैल्यू थोड़ी होती है। कोई और बताओ भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या डेफिनेशन है? ढंग से तैयारी नहीं करते हो ऐसे में। क्लास मैंने कराया, उन्हें पता है सर, नहीं बताया होगा, तुमने रिवाइज नहीं किया बार बार, तो एक बार पढ़ोगे भूल जाओगे सारी चीजें। जब चीजों को क्रिटिकल पॉइंट है ना, एक क्रिटिकल पॉइंट, पहली बात तो क्रिटिकल पॉइंट ही होगी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट की तीन कैटेगरी है, या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकती है, या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकती है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकती है। अब आपको डिसाइड करना है कि वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, एफ डैश को जीरो पुट करोगे डिफरेंशियबल फंक्शन है तो। अब आप डिसाइड करोगे जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जैसे x क्यूब में तुम देखो x बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। x स्क्वायर में x बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। माइनस x स्क्वायर में x बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकती है, या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकती है, या इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकती है। सो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट, और ये सब क्लास 12th में है। तुम जाके NCERT उठा के देखो क्लास 12th का मैक्सिमम मिनिमम, वहां का ये क्वेश्चन है और इस तरह कॉन्सेप्ट है। लेकिन तुम लोग इस लेवल पे आ गए, 12th वाली चीजें ठीक से नहीं आ रही है, तो ये सब अपनी कमी को दूर करना चाहिए ना प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों को। देखो जब भी कभी प्रॉब्लम हो तुम्हें समझ ना आए तभी पूछिए, सब प्रॉब्लम अभी नहीं आनी चाहिए, ये सब क्लास 12th की चीजें हैं। यस सर, आ गए, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, अब बस f dash x निकालो, जीरो पुट करो, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में f dash x का साइन चेक करते हैं हम, और f dash x का साइन उस क्रिटिकल पॉइंट के दोनों साइड सेम रहता है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि पॉइंट क्या है। वो तो तरीका है, डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, चलिए इनके डाउट ग्रुप में आए वो देख लेते हैं।